एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी अभी भी मैं सो के उठी हूँ, अभी बजे है 7। तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ, तब तक मम्मी पापा पता नहीं कुछ कर रहे हैं बाहर, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद, और मैं तब तक झाड़ू वगैरह करती हूँ किचन में, फिर उसके बाद मुझे अपने कपड़े वॉश भी करने हैं, और फिर देखते हैं। वैसे तो कुछ काम है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो होगा वो कर लेती हूँ और उसके बाद आराम करूँगी। तो पहले झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू भी मिलती हूँ, फिर यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। थर्ड डे हो गया घर पे और ये सामान है वो अभी तक यहाँ से किचन से कहीं गया नहीं है, अभी यहीं रखती हूँ फिलहाल, बाद में ले जाऊँगी। मुझे ये वाले कपड़े वॉश करने हैं जो मैं कल मंदिर ले गई थी, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी देखती हूँ। और कुछ अभी मैं सोच रही हूँ इसको भी धो लूँ, इस मैट को। मम्मी को कह रही थी कि मैं इसको भी धो लेती हूँ, इस मैट को लास्ट बचा हुआ है, बाकी मम्मी ने सारे वॉश कर लिए थे। तो मम्मी कहते हैं कि रहने दे, दो दिन के लिए सारा ही घर आना है और आराम कर ले, बट मैं सोच रही थी कि मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी को भी इतना टाइम नहीं लगता होगा, अपने काम से ही फ्री नहीं होते हैं, फिर उसके लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं धो लूँगी इसको, अभी अपने कपड़े वॉश करूँगी पहले, फिर उसके बाद इसको धोऊँगी। कि मम्मी सोचते हैं कि ये भी थक जाती होगी, और सच में सीरियसली मैं बहुत थक जाती हूँ। सुबह 7 बजे जाना पड़ता है मुझे और शाम को 6 बजे पहुँचती हूँ मैं। 2 घंटे का सफ़र सुबह हो जाता है मेरे लिए, 2 घंटे का शाम को हो जाता है मेरे लिए, इतना हैक्टिक हो जाता है। यहाँ तो मुझे मतलब हेवन है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या सुबह आराम से उठ सकते हैं, काम करना थोड़ा बहुत जो होता है और फिर उसके बाद आराम करना, वहाँ पे तो सुबह जाओ फिर बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक। तो इस कारण मम्मी सोचते हैं कि चल थोड़ा आराम से कर लेगी घर पे, मुझे सुबह उठाते भी नहीं है, उठने को भी नहीं बोलते, कहते कि आराम से सो के उठा कर, सुबह तो वहाँ तो जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए मुझे मैं आराम से उठती हूँ यहाँ पे। मतलब मेरी नींद अब खुल जाती है, क्योंकि मुझे आदत होगी सुबह उठने की, तो मेरी सुबह अब नींद अपने आप ही खुल जाती है। इसलिए सोचा अपना काम करके, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में काम नहीं कर सकते, और इतना प्यारा मौसम हुआ है बहुत, आजकल घर पे इतना प्यारा होता है ना, ग्रीनरी जैसी सारे में ग्रीनरी सी, और वहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे डस्ट मिलती है और इतना नॉइस पॉल्यूशन होता है कि। तो मैं कपड़े वॉश कर ही रही थी, मम्मी भी नहाने चले गई, क्योंकि कुछ बत्ती करनी होती है, पूजा वगैरह करेगी, फिर उसके बाद मैं कपड़े वॉश करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करेगी। और मैं अपने यहाँ पे रोज़ देखी थी, रोज़ लगाए थे मैंने, अच्छे से हो गए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत टाइम हो गया इनको लगा के, अच्छे से टिक गए, मुझे लग रहा था कि ये टिकेगी नहीं, बट ये टिक गए हैं। मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा, मुझे याद आया। ये रेड वाइट पिंक अलग अलग टाइप के लगाए हैं मैंने, यहाँ पे तो शायद मे बी रेड हो सकता है, मुझे याद नहीं है अच्छे से कि मैंने कौन से लगाए थे, और परे भी लगाए हैं यहाँ पे, ये बाकी मम्मी ने लगाए हुए येलो, ये वाला बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से है। ये हमारी तुलसी है, तुलसी है, ये बाकी सारे, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मेरी मम्मी के घर पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये फिर से, ये शायद वाइट रोज़ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये वाइट रोज़ था, पता नहीं है बाद में पता लगेगा। और ये भी अच्छे से टिक गया है, और मुझे लग नहीं रहा था कि ये टिकेंगे, मम्मी ने पानी डाला है इसमें, मेरे पास बच गया था, मैं कुछ कर रही थी तो नेक्स्ट टाइम मैं भी डाल देती हूँ। अच्छी चीज़ पता क्या है, मैंने मतलब बहुत ऑब्जर्व किया है, जब मैं मतलब कोई प्लांट कोई भी फ्लावर लगाती हूँ ना, वो मेरे हाथ से जल्दी टिक जाता है। मतलब मेरे हाथ में तो जो भी मैं फ्लावर लगाऊंगी, वो ऐसा कभी नहीं है कि वो टिकेगा नहीं, इसलिए ये वाले भी मैंने ही लगाए थे। मेरी मम्मी के घर पे भी मैंने ही लगाए थे, मैंने लगाए तो वो टिक गए, फिर मम्मी कहते तू ही लगा दे, तेरे हाथ से जल्दी टिक जाता है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने ही लगाए। व्हिच वन इज दिस,
ये भी टिक गया है, और मुझे लगा था ना सीरियसली ये नहीं टिका, क्योंकि ना यहाँ पत्थरों पत्थरों के बीच में मुझे लगा पता नहीं ऐसी ख़राब सी जगह में मॉइस्चर भी नहीं है जहाँ पे अच्छे से, मुझे नहीं लग रहा था यहाँ टिकेगा, बट ये टिक गया है। मौसम काफ़ी अच्छा है और दिन तक तो इतना अच्छा हो जाएगा ना कि बाहर भी नहीं आ पाएंगे हम लोग। ये सारे कपड़े भी धुल गए, बस इतने ही से थे, और टाइम हो गया है 7:54। तो मैंने कपड़े तो धो लिए, अब इसकी टर्न आ गई इस मैट की। तो जब तक मम्मी धूप चलाते हैं तब तक मैं इसको जितना भी हो सकता उतना वॉश करती हूँ या झाड़ू ही लगा लेती हूँ, तब तक देखती हूँ। मैं इसको उसको लम्बा लेटा के पानी डाल के ऊपर से इस पर सर्फ एक्सल डाल के ऐसे ही पानी पानी डाल के, क्योंकि वो हैवी है उठा सकते नहीं है, सारी सब्जी की धूल है इसमें और ना मैं उठा पाऊँगी, तो इसको तो लेटा भी धूल लेती हूँ। अब मैं इसमें निरमा स्प्रिंकल करूँगी, इस तरह से छिड़कूँगी ताकि इस पर ऐसे रुच जाएगी, और फिर इसको मैं ऊपर से वॉश कर लूँगी ब्रश से। मैंने निरमा डाल दिया, अब मैं इसको ब्रश से साफ कर दूँ, क्योंकि इस तरह से लेटा के ठीक रहता है और इतना हैवी है, उठा भी नहीं सकते आप इसको कि हाँ आप इसको उठा के करो। तो मैंने सोचा कि ऐसे लेटा के, मैंने नहीं सोचा, ये मुझे टेक्निक मम्मी ने बताई कि लेटा के इसको निरमा स्प्रिंकल करके फिर इसको ब्रश से धोना है, फिर इसको बकेट से चाहे पाइप से सोच रही थी पहले पाइप लगाऊँ, मुझे तो इतना सप्पा मेरे कौन करे पाइप लगाऊँ मैं, फिर वो बकेट से भर के लेके आके इसको पानी डाल दूँ। अब मैं इसको पानी से साफ़ कर रही हूँ, पानी से और झाड़ू से अच्छा हो जाता है, तो मैंने इसको रेलिंग्स पे लगा के इस पर पानी डाल के और झाड़ू से करके कर लिया ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो एवरीवन, तो अभी 1:20 हो गया, 1:20 हो गया, और हम लोग तैयार हो गए कहीं जाने के लिए। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लंच किया हमने, और फिर हमें याद आया कि हमें कुछ काम था और मम्मी को भी काम था, फिर मम्मी बाद में अकेले अकेले कहाँ ही जाएगी, तो हमने बोला हमारे साथ चल पड़ो, हम भी जा रहे हैं, आप भी जाओ, आप भी चलो, तो दोनों का काम हो जाएगा और साथ में कंपनी भी मिल जाएगी। फिर बाद में बेचारे मम्मी वैसे भी नहीं जा पाते अकेले होते जब रहते, और फिर अकेले जाने का भी मन नहीं करता और फिर जा भी नहीं सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अब मैं भी तैयार हो गई, राहुल तैयार हो गए, मम्मी तैयार हो गए, तो थोड़ा सा कुछ सामान कर रहे थे मम्मी, और अपना कुछ सामान कर रहे होंगे, तो फिर बस मम्मी आएगी, हम लोग निकल जाएंगे रीवा के लिए, अपना काम करके फिर वापस आ जाएंगे जल्दी से। तो अरे मिलते हैं, यस, वेयर आर यू गोइंग? निर्वा। क्यों, क्या काम है आपका निर्वा में? मेरे कोई काम नहीं, तुम लोगों का काम है, तुम लोग अब हमारे ड्राइवर हो, मैं थोड़ा ड्राइवर अब हमारे ड्राइवर हो ना, हाँ, तो हमें ले जाओ आप। अभी मम्मी पता नहीं क्या कर रहे वहाँ पीछे, और पता नहीं मम्मी कुछ कर रहे, करके आएंगे वो, पता नहीं क्या सामान था कुछ वहाँ पे, कुछ पड़ा हुआ था कबाड़ सा, तो उसको इकट्ठा कर रहे थे। अब बस हम लोग जा रहे, अब मैं भी आ गई, राहुल भी आ गए, बस मम्मी रह गए, वो शूज़ पहन रहे, बस शूज़ पहन के आ जाएंगे। तो ये मेरे मम्मी और मेरा भाई और पापा भी आए थे, पापा भी नहीं थे, तो हम लोग बैठे थे वहाँ पे जहाँ मम्मी और मेरा भाई मिले हमें, तो हम लोग थोड़ा सा बैठ गए वहाँ पे। उसके बाद हमें कहीं जाना था, तो हम लोग वहाँ आ गए सूट सिलवाने, मम्मी की अभी मायके में शादी है, तो हमने सोचा सूट सिलवा देते हैं टाइम से, तो हम लोग आए थे क्योंकि बाद में मम्मी वैसे भी नहीं जा पाए अकेले अकेले, कहाँ ही जाना था उन्होंने।
तो अभी हम यहाँ पे सूट सिलवाने को देने आए हुए थे, मुझे भी देना था, मम्मी को भी देना था, और फिर हम साथ में दे दिया। तो मैंने सोचा मम्मी ले लेगी क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं होंगी, तो जब मम्मी अपना लेगी मेरा भी ले लेगी, और हमें मिले मेरे मम्मी, तो हम इनसे भी मिल गए, ये भी आए थे निरवा। तो अब हम जा रहे हैं, तो फिर मेरे पापा भी आ गए थे और हम वापस से फिर से वहीं आ गए। तो हमने सोचा थोड़ा कुछ खा लेते हैं बैठ के, फिर मुझे वहाँ के फ्राइड मोमोज अच्छे लगते हैं और मैं वहाँ फ्राइड मोमोज खा रही थी और मम्मी वगैरह चाय पी रहे थे। तो मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ तो चाय के मतलब क्या ही बताऊँ, दोनों इतना पसंद करते हैं चाय को। तो अभी मैं आई हूँ थ्रेडिंग करवाने, और मम्मी को बोला है मैंने बैठने को, तब तक मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ। तो अभी हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया, सूट सिलवाने दिया और थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़ी थ्रेडिंग करवाई मैंने अपनी, और बाकी कुछ भी नहीं है, बस मम्मी पापा नहीं, मेरी मम्मी, मेरी सास और मेरी मम्मी दोनों हैं मेरे साथ, और हम लोग बस आगे जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने। तो मम्मी आगे यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने गए हुए थे, तो मैं पीछे गाड़ी में थी तो मुझे लगा मम्मी के पास ज़्यादा सामान हो जाएगा, तो मैं लेने चली जाती हूँ उनके पास। लोग ना घर के लिए निकल गए थे, बट मैं फिर मुझे याद आया कि हम सामान भूल रहे हैं कुछ, तो फिर हमसे पापा ने एग्स मांगे थे तो हमने लिए नहीं, हम भूल गए, तो मैं वहाँ चली गई राहुल और मम्मी गाड़ी में थे, थोड़ा सा सामान और भी लेना था और एग्स वगैरह भी लेने थे। फिर बहुत वहाँ गर्मी भी बहुत होती है, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए भी ले लेते हैं अभी, तो मैंने कॉर्नेटो ली तीनों के लिए। तो गाड़ी में बैठ के चलते चलते मैं कॉर्नेटो खा ले गई, गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम आए हैं हेलीपैड, यहाँ पे हमारे नेवा में हेलीपैड है एक, और मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं, अभी भी आपको दिख ही रहे होंगे पीछे आए हुए। तो हम ऐसे ही, हमारे तो घर का रास्ता है ये, तो हमने सोचा चले जाते ऊपर, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आती है यहाँ पे, तो मैं मम्मी राहुल इधर आ। तो हम लोग थोड़ी देर पहले घर पहुँच गए थे, 5:30 बजे, अभी जस्ट चेंज किया है, थोड़ा आराम किया, चेंज किया, अब डिनर की तैयारी करते हैं। तो अब पहले मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो गया, मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैं अभी धनिया लेने आई हूँ, थोड़ा नीचे है काफ़ी, घर ऊपर है, थोड़ा यहाँ लगाया था तो दूर है, मैं तो चली जाती हूँ, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भीग जाऊँगी। धनिया लेती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे धनिया लगा हुआ है, साथ में ये मटर भी लगाए हुए थोड़े से, और ये इस तरह से मौसम पार, वहाँ पे धूप लगी और इधर बादल छाए हुए, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आजकल घर पे तो इतना अच्छा मौसम हुआ होता है ना, ग्रीनरी चारों तरफ से इतना प्यारा हो सा। ये देखो मटर, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अभी तो छोटे छोटे है, अभी तो बिल्कुल प्लेन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बीच में धनिया है, यहाँ पे मैं इसको तोड़ती हूँ पहले।